सभी ने युवराज चित्रांग का संकेत। अच्छा, तो ये पुनः नवीन रणनीति बनाने जा रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये पुनः कोई व्यूह रचना निर्मित कर रहे हैं। मेरे पिता श्री के ज्येष्ठ भ्राता अयोध्या नरेश श्री राम ने एवं महातेजस्वी ऋषिवर चैवन ने मुझ पर विश्वास करते हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा मुझे सौंपी है। भले ही शत्रु कितने भी व्यूह रच ले, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। पुष्कर, ये तो क्रोंच व्यूह है। इस क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए सबसे सुगम्य मार्ग चोंच ही है हनुमान जी। यहाँ से प्रवेश करके मैं सीधा राजा के पास पहुँचकर उनका अंत कर सकता हूँ। कहां चले वानर? इस मायावी ने पुनः अपनी माया से मुझे पुष्कल से दूर कर दिया। उस बालक के निकट किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत अच्छा है मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा। अब आएगा आनंद। इसी स्थल पे खड़े होकर तुम व्यूह परिवर्तित करने का निर्देश दे रहे थे ना? अब यही स्थल तुम्हारा मृत्यु स्थल होगा। तुम्हारा वध करके महाराज सुबाहु को भी परास्त करूंगा मैं।
ये बड़े बोल बोलने से पूर्व अपने आसपास दृष्टि घुमा के देखो बालक। अब तुम एकाकी हो, अब तुम्हें बचाने मेरे इस व्यू में ना ही तो तुम्हारी सेना आ पाएगी और ना ही कोई अन्य। अब यही होगी तुम्हारी मृत्यु। मुझे जो भावी घटना दिखाई दी थी ये सब कुछ तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कहीं पुष्कल नहीं, नहीं। जो तुम देख रहे हो वानर वो सत्य है, और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस दुष्ट की माया से मुझे वो स्वप्न दिखा था। अब इसका अंत कोई नहीं टाल सकता। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। नहीं नहीं, पुष्कल का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके लिए मुझे चाहे वर्तमान भी परिवर्तित करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा वानर। मैं तो पुनः यहाँ आ गया। इस बालक को मृत्यु से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। पुत्रों, मुझे गर्व है तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। पुष्कल फंस गया है इस व्यूह में, शीघ्र ही उसकी रक्षा का कोई उपाय करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो तुम मेरी व्यू में फंसे हो उद्दंड बालक। अब देखो मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। शूरवीर है किंतु है तो बालक ही पुष्कल। उतावला होकर फंसी गया शत्रु के व्यूह में, कैसे करूं इसकी रक्षा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पड़ गए मेरे समक्ष राजकुमार शत्रुघ्न। मैं तो युद्ध में तुम्हारे इस उद्दंड भतीजे को पाठ सिखाने के लिए लालायित हो रहा था, किंतु कोई बात नहीं, मेरा भ्राता चित्रांग पर्वताकार महाबली कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली है। कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली चित्रांग और उसके सामने तुम्हारे ये मूर्ख बालक। तुम उसकी चिंता करो वानर, क्योंकि अब उसके जीवन का सूर्यास्त होने ही वाला है। चिंता तो तुम करो चित्रांग, भूलो मत जिन प्रभु श्री राम ने उस महाबली कुंभकर्ण का वध किया था, उन्हीं का भतीजा है ये पुष्कल और मैं हूं उसके साथ। मैं उसे कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। इस व्यू को ध्वस्त करना सरल नहीं, परंतु असंभव को संभव बनाना तो योद्धा का धर्म है। मेरे पुत्रों से घिर चुके हो तुम सब, उनसे अश्व नहीं छीन सकोगे तुम। व्यर्थ व्यर्थ ही तुम अपने प्राण गंवाने के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। अच्छा तो ये होता कि तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अश्वहीन उस अपने राम के पास जाकर उसे उसकी असफलता की सूचना देते। हाँ
विष घोल दिया है इनकी सोच में, विषाक्त कर दिया मैंने उसे। सोच सोच कर सोच का वार किया है, भक्त की भक्ति हर ली, अब असफल नहीं होऊंगा मैं। अति आनंदित हूं मैं आज, अति आनंदित। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इस सेना को, अंत करो इस बालक का। देखते हैं कौन किसका अंत करता है आज। मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से ही धूल धूसरित होगी ये सेना। मिटा दो इन रघुवंशियों को, नष्ट कर दो इनकी सेना को, वध कर दो इस बालक का। कोई साधारण योद्धा नहीं है ये बालक। रुक जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा इस बालक से। मैं भी तो देखूं कितना कुशल योद्धा है ये। लो बालक, अपनी मृत्यु से भेंट करो। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का, कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कर के सामर्थ्य पर संदेह नहीं है मुझे, शूरवीर योद्धा है वो, परंतु भावी घटना के वो दृश्य मुझे विचलित कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं पुष्कर को। उसके समीप रहकर मैं उसकी रक्षा करूंगा, रामकाज में असफल नहीं होऊंगा मैं। तो ये वानर इस उद्दंड बालक की ढाल बनना चाहता है, परंतु मैं ऐसा होने दूं तब ना। ये वानर मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से इसे रोकना पड़ेगा। कोई मायावी शक्ति मुझे राम काज करने से नहीं रोक सकती। जय श्री राम। राजकुमार शत्रुघ्न,
सामना करो मेरे अस्त्रों का। दमन, संभालो मेरे वार को। तुम जितनी तीव्र गति से अपने बाण चलाओगे शत्रुघ्न, मैं उससे भी तीव्र गति से उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे खड़क से तुम्हारा भतीजा तो बच गया, परंतु तुम नहीं बच पाओगे। बालक, मेरा ये अस्त्र तुम्हें मसल कर रख देगा। रघुवंशी हूँ मैं, मुझे मसलना इतना सहज नहीं है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे उठने के पूर्व भी तुम्हारा अंत होगा। संकट में है पुष्कल, यथाशीघ्र मुझे उसके निकट पहुंचना होगा। विचित्र के मायावी वार से तुम नहीं बच पाओगे। इस दुष्ट मायावी ने बांध दिया है मुझे। सावधान पुष्कल। पुष्कल एकाकी जूझ रहा है संकट से, उसकी सहायता करने में अक्षम हो रहा हूं मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने प्राणों की चिंता नहीं मुझे, पुष्कल को कुछ नहीं होना चाहिए। समय रहते पुष्कल की रक्षा कर ली हनुमान जी ने, धन्य है वो। अब देखता हूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है। भाग्य बार बार इस बालक का साथ दे रहा है, परंतु इस बार मेरे मायावी लौह अस्त्र से नहीं बचेगा ये। होते हुए मेरे पुत्रों पर भारी नहीं पड़ सकते। ये रघुवंशी बालक और ये राजकुमार, तुमने बहुत सहायता कर ली इस बालक की वानर। अब मैं
अपने भ्राताओं की सहायता करूंगा और तुम्हारे उस मायावी स्वप्न को सत्य बनाऊंगा। मेरे कालकूट विष से तुम्हें कुछ भी करने योग्य नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरे मायावी बंधन और कालकूट विष के प्रभाव से तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। अब हनुमान के संरक्षण के बिना पुष्कल, शत्रुघ्न और अश्व महासंकट में पड़ जाएंगे। हनुमान ने तो बाल्यकाल में ही अत्यंत विषैले विष का पान कर लिया था। कालकूट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा हनुमान पर। पुष्कल और शत्रुघ्न का कोई अहित हो उसके पूर्व हनुमान पुनः अवतरित होकर उनकी रक्षा करेगा। मायावी बंधन में नो। चिंता मत कीजिए शत्रुघ्न काका, ये सब तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। उठाओ उठाओ, हम भी तो देखें कितना बल है तुम में। उठाओ। पुष्कल इतनी सरलता से पराजय स्वीकार कर ले, असंभव। तुम्हारे साथ इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है बालक। इधर इधर आओ बालक, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। गिरा दो इसे, पराजय स्वीकार करने पर बाध्य कर दो इसे, साहस तोड़ दो इसका। हा 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 हा।
हनुमान मुश्किल की सहायता कीजिए। हे ईश्वर, पुत्र हनुमान को इतनी शक्ति दीजिए कि वो सबकी रक्षा कर सके। भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। पुष्कल, पुष्कल अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों। बालक, अभी भी साहस शेष है तुम्हें? किस मिट्टी के बने हो तुम? अयोध्या की मिट्टी से बना हूँ मैं, जिसके कण कण में रामचरण रज मिली है। हमारे चरणों की रज चटाओ इसे। शत्रु चार खड़े चहुरा, घेरे पुष्कल वीर किशोरा। पवन तनय से कही रघुराई, दीजे सहाय जा विपदा आई। देखी जब पुष्कल निसहाय, संरक्षण तब कपि की प्रदाय। जाकी रक्षा हनुमत ठानी, ताको पहुँचाए को हानि। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुष्कल संकट में है। जय श्री राम। आ, 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 आ,
हनुमान जी की शक्ति को कभी समझ ही नहीं सका, उनकी बात कभी ध्यान से सुनी ही नहीं। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यू है, क्रोंच व्यू की ओर तुम मत बढ़ो। एकाकी ही मुझे, मेरे पुत्रों और मेरी सेना को कैसे ध्वस्त कर दिया इस वानर ने। तो ये सुबाहु पुत्र पुनः उठ रहे हैं, अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अपने क्रोध को शांत करो पुष्कल। मुझे भी हनुमान जी के समान पूर्ण रूप से एकाग्र होकर, क्रोध को त्याग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर शत्रु का अंत करने पर ध्यान देना चाहिए। परंतु वो दुष्चित्रांग गया कहाँ? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये अश्व नहीं रहा तो पराजय स्वतः हो जाएगी। स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। महाराज सुबाहु, ये तो मात्र आपके विनाश का प्रारंभ है।
यदि अपनी और अपने इन पुत्रों की सुरक्षा के इच्छुक हैं, तो अभी भी आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु श्री राम के प्रभुत्व को आप स्वीकार कीजिए। आत्मसमर्पण तो तुम सब करोगे अपनी मृत्यु के समक्ष। आज इस बालक ने मेरे पुत्र का नहीं, अपने जीवन की संभावना का अंत किया है। अभी बाण शेष नहीं है मेरे पास। पुष्कल वार नहीं कर सकता, परंतु मैं सुबाहु का वार अपने ऊपर लेकर पुष्कल की रक्षा करूंगा। मैं पुनः कहता हूं महाराज सुबाहु, अभी भी समय है। नहीं, इस बालक के जीवन में और समय शेष नहीं है। एक अस्त्रहीन बालक पर अपने अस्त्रों का वार करने वाले, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान रज कपि चरण महिमा भारी सम्मोहन से नृप को बारी सुबाहु मन ही मन पाई दर्शन अवध पति रघुराई देह पे तेज व मुख पे आभा राम नारायण साक्षाता राम राज सुबाहु स्वीकारे रघुकुल ध्वज की शरण में आए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हमें क्षमा करें हनुमान, पता नहीं किसके कुप्रभाव में मैं इतने पाप कर बैठा। पता ही नहीं चला कब भक्त से शत्रु बन बैठा। अपने योग्य और गुणी पुत्रों को पाप के पथ पर चला बैठा और अपने प्रिय पुत्र चित्रांग को खो बैठा। महाराज सुबाहु, मैंने आपको अनेकों बार चेताने की चेष्टा की, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। महाराज सुबाहु, युद्ध कहां किसी के लिए लाभकारी होता है। युद्ध में विजय किसी की भी हो, खोना तो सभी को पड़ता है। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यवश मैंने स्वयं को ऋषि असीतांग के श्राप का भागी बना दिया। उसका दंड तो मुझे भुगतना ही था। हे राम भक्त हनुमान, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज सुबाहु, धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमें हमारा अश्व लौटा दीजिए। हे हनुमान, मैं प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं। मेरा राज्य प्रभु श्री राम के राज्य का भाग बने, इससे अधिक गौरव की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। जय श्री राम। जय श्री राम। उठिए महाराज सुबाहु, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करना उनके समक्ष झुकना नहीं अपितु हृदय से उनका नाम जपना है। जय श्री राम। इसका अर्थ है हनुमान ने अश्वमुक्त करा लिया। मेरी ये चाल भी विफल हो गई। जब तक हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न के संरक्षक रूप में उनके साथ हैं, तब तक राम राज्य के आधार धर्म भक्ति सदाचार के विस्तार के प्रतीक मेरे अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें आगे की यात्रा आरंभ करना चाहिए। हनुमान जी, इस घोर अंधियारे में इस तीव्र ढलान वाली पहाड़ी पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी तो यहीं पर रुककर भोर होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे सैनिक भी क्लांत हो चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है। हाँ राजकुमार शत्रुघ्न, अश्व की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा। पुत्र पुष्कल, आप अश्व को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। हनुमान जी, दंभ के कारण अनेकों बार मैंने आपकी अवमानना की, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को त्यजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। कुमार पुष्कल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेतृत्व से आपका उद्धार हुआ। अब तो आप पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है कि आप कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। हनुमान जी, अपने इस विश्वास को प्रमाणित करने के लिए आज की रात्रि मुझे यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करने के लिए अनुमति दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल। जगत में सभी प्राणी श्री राम कथा के श्रवण से आनंदित हों, इस पावन गाथा से प्रेरित हों, सभी धर्म के पथ पर अग्रसर हों, सर्वत्र प्रभु राम की गाथा का प्रचार हो। मेरे समस्त शिष्य इस राम ग्रंथ कथा को कंठस्थ कर ले, अब ये ग्रंथ यहीं रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। शूलेना पाहिनो देवी पाहे देवी, शूलेना पाहिनो देवी पाहे देवी, शूलेना पाहिनो देवी पाहे देवी।
अब कोई भी दुष्ट शक्ति इस सुरक्षा रेखा के भीतर प्रवेश कर इस ग्रंथ को नहीं ले जा सकेगी। जो भी श्रद्धा भाव से इसके पठन को यहाँ आएगा, ये ग्रंथ केवल उसी को दिखाई देगा। आप सब लोग भी विशेष ध्यान रखें, निर्मल भाव से ही यहाँ प्रवेश करें। ये ग्रंथ अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा का ऐसा प्रबंध कर रखा है। अवश्य इसमें हम असुरों की हानि निहित है, परंतु मैं हूँ ना, क्यों ना मिटा दूं इसे और मैं बन जाऊं प्रथमासुर से असुरों में प्रथम पूज्य। कुछ ही समय में रात्रि का अंधकार होगा, तब पूर्ण करूंगा ये कार्य मैं। राम राम राम। सहायता करो हनुमान, सहायता करो हनुमान। कहीं अश्वमेध यज्ञ में तो कोई संकट उत्पन्न नहीं हो गया जो प्रभु मुझे पुकार रहे हैं? प्रभु तो स्वयं नारायण हैं, संकट तो उनके स्पर्श से ही नष्ट हो जाते हैं। सहायता करो हनुमान, यही शब्द थे। समझ गया, प्रभु भक्त पर आए संकट को भी वो अपना संकट ही समझते हैं। अवश्य यही कहीं प्रभु का कोई अनन्य भक्त किसी महासंकट में है, परंतु कौन है वो ये मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। किसी प्रभु भक्त को संकट में छोड़ना असंभव है मेरे लिए। यहां चिंता की कोई बात नहीं है और मैं प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही लौट आऊंगा। हे प्रभु, हे राम, मेरे देखते देखते ये अनर्थ कैसे हो गया? परंतु ऋषि और आरण्यक इतनी कड़ी सुरक्षा के रहते कोई श्री राम कथा ग्रंथ कैसे उठा ले गया? आप सभी के प्रस्थान करने के पश्चात मैं कुटिया से ध्यान करने के लिए बाहर आया। जब ध्यान में मग्न हो गया तभी उस दुष्ट ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया होगा। भीतर से कुछ ध्वनि आई तो मैं सजग हो गया। ये ध्वनि कैसी थी? मैं भीतर गया, भीतर कोई नहीं था। श्री राम कथा ग्रंथ अपने स्थान पर सुरक्षित था। मैं निश्चिंत होकर कुटिया से बाहर आ गया, किंतु बाद में मुझे समझ में आया कि बाहर आते समय मेरे ही पांव से सुरक्षा रेखा का एक भाग मिट गया। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर वो दुष्ट असुर जो पूर्व में ही भीतर छुपा बैठा था, मेरी भूल का लाभ उठाकर जहाँ से रेखा मिट गई थी वहाँ से हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को उठाकर जाने लगा। तो आपको आभास भी नहीं हुआ? बाहर आते समय ही मुझे आभास तो हुआ था कि कोई भीतर है, इसीलिए जैसे ही वो असुर ग्रंथ लेकर भागने को हुआ मैंने उसका मार्ग रोक लिया। ग्रंथ को उसके स्थान पर रख दो, अन्यथा श्राप देकर भस्म कर दूंगा तुम्हें। पावन ग्रंथ को अपने स्पर्श से दूषित करने वाले दुष्ट असुर, उसके स्थान पर पुनः स्थित कर दो उसे, अन्यथा मेरे श्राप से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। अब तुम्हारा ये ग्रंथ मेरे उदर में है, अब कैसे श्राप दोगे मुझे? राम कथा ग्रंथ निगल लिया इस दुष्ट ने, अब इसे भस्म भी नहीं कर सकता। लो ऋषि, नष्ट हो गया तुम्हारा ये ग्रंथ। और इस प्रकार वो दुष्ट असुर मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य ले गया। अवश्य ही कोई उत्तरी पहाड़ी पर वास करने वाले असुरों में से ही होगा। वो कौन था ये ज्ञात करने का आप क्या लाभ? ग्रंथ तो उसके उदर में समा गया है। उस पहाड़ी असुर से ग्रंथ को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं, परंतु वो तो अभी रामकाज में व्यस्त होंगे, यहां कैसे आएंगे? वो यहां होते
तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। जिस राम कथा के विस्तार हेतु मैंने ग्रंथ के प्रचार का प्रण लिया था, उस राम कथा ग्रंथ को नष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। यदि राम राज्य का विस्तार मेरा कर्तव्य है तो राम कथा का प्रचार भी तो मेरा ही दायित्व है, जिसके लिए उस ग्रंथ को लाना भी मेरा ही धर्म है। मुझे इसी क्षण उत्तर पहाड़ी की ओर जाकर उस दुष्ट असुर को ढूंढना होगा। इतने विशाल वन में भला मैं कैसे ज्ञात करूं कि वो पर्वतवासी असुर कहां गया है? उस असुर ने प्रभु श्री राम की कथा का ग्रंथ चुराया है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए तो प्रभु श्री राम भक्ति ही पर्याप्त है। अब प्रभु श्री राम स्वयं मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की भक्ति ने मुझे मार्ग दिखा ही दिया। वो असुर जिस मार्ग से गया है वहां अपने स्पर्श से प्रभु श्री राम के आभास को छोड़ गया है। राम नाम की ऊर्जा की ज्योति वही सबसे अधिक दिखाई दे रही है। अवश्य वो असुर वही होगा। आनंदी आनंद भोज होगा। बहुत बड़ा कार्य किया है प्रथमासुर जी ने, चका दिया उस ऋषि को। महान है प्रथमासुर जी, परम पूज्य है हमारे। अवश्य राम नाम का ग्रंथ यही है। ये वानर कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? क्या यही है? इन अनेक असुरों में से उस असुर को कैसे पहचानूं जिसने ग्रंथ को अपने उदर में समा लिया है? यहां बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा मुझे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को सताने और आप लोगों से युद्ध करने नहीं आया। मैं तो उन महान असुर के दर्शन करने आया हूं जिन्होंने राम कथा ग्रंथ को ही निगल लिया। यदि उनके दर्शन हो जाएं तो मेरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी बलिष्ठ भुजाएं हैं आपकी, प्रतीत होता है आप ही हैं वो महान असुर। आपकी भुजाओं में तो उनसे भी अधिक बल समाहित है। अवश्य आपने ही किया होगा ये कठिन कार्य। ओह, आप भी नहीं? ये वानर सभी की प्रशंसा किए जा रहा है। बलिष्ठ भुजाएं हैं, महान है, आप बोल रहा है सबको। मैंने किया है ये कार्य, मुझे क्यों नहीं पहचान रहा ये? ओह, ऐसा अनुपम तेज, अवश्य आप ही हैं वो महान आत्मा। हे वानर, इधर देखो मुझे, और कोई नहीं, मैं ही हूँ वो बलिष्ठ तेजस्वी महान प्रथम पूज्य प्रथमासुर। ओहो हो, तो आप ही हैं वो महान असुर जिन्होंने उस ग्रंथ को अपने उदर की भेंट कर दिया। मैं ही हूँ वो, उस ग्रंथ को उठाकर उसका आहार बना गया। ये तो आपने बहुत बुरा किया। मेरा आपसे निवेदन है
कि आप वो ग्रंथ लौटा दें। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी अपना आहार बना लूंगा मैं वानर। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ। जय श्री राम। आकार बढ़ाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। आप ग्रंथ लौटा दीजिए, अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे विशाल आकार से कोई भयभीत नहीं होने वाला। और कोई हो ना हो, मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाला। जो करना चाहते हो कर लो। अच्छा, तब तो मुझे आपके उदर पर प्रहार कर उस ग्रंथ को आपसे उगलवाना होगा। बस इतनी शक्ति है तुम में वानर? उगलवाने आए थे मुझसे वो ग्रंथ? परम शक्तिशाली प्रतिमा सुर हूं मैं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहां से। ग्रंथ के बिना तो मैं कदापि नहीं लौटूंगा। तब तो मुझे ही लौटने पर बाध्य करना होगा तुम्हें। देखो मुझे कुछ नहीं कर सका ये वानर मेरा। चलो जैसे कार करो मेरी। प्रथमासुर जी की जय। प्रथमासुर जी की जय। प्रथमासुर जी की जय। ये तो अत्यंत शक्तिशाली है, मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है इस पर। परंतु प्रभु काज में मैं भी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। प्रथमासुर जी की जय। प्रथमासुर जी की जय। वो ग्रंथ तो मेरे उदर में ही रहेगा वानर, उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। प्रथमासुर, 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 प्रथमासुर। सखा। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने, तो मैं भी ग्रहण कर जाऊंगा। बस वानर, अभी अंतिम चेतावनी है, अब लौटने का दुस्साहस मत करना। जाओ और जाकर समस्त संसार को सूचित कर दो कि अब शीघ्र ही सृष्टि पर प्रथमासुर का आधिपत्य स्थापित होने वाला है। प्रथमासुर जी की जय। प्रथमासुर जी की जय। इस अत्यंत शक्तिशाली असुर को पराजित कर ग्रंथ कैसे प्राप्त करूं? प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय हमें सक्रिय रूप से रामकथा का प्रचार करना चाहिए था, और वही करने में असफल हो गया मैं। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ कहाँ रह गया? नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए आप। यदि कल भोर तक मुझे वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ये देह त्याग दूंगा। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए कदापि भी आप। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने। इस असुर ने उस दिव्य ग्रंथ को अपने भीतर निगल लिया है, इसीलिए इसमें असीम शक्ति का संचार हुआ है। जिसमें श्री राम की शक्ति समाई हो उससे युद्ध करके कैसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं। वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। अब तो मुझे भी तुम्हारे उदर में ही उतर कर ग्रंथ को पाना होगा दुष्ट असुर। जय श्री राम। ये मेरे कंधे पर क्या है? अरे अरे, उड़कर मेरे गाल पर बैठ गई है मक्खी। अभी मारता हूं इसे। हैं? मक्खी थी महाराज। अरे चुप, मेरे कान में गई वो मक्खी। कान में? क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ? मेरे गले में वो दुष्ट मक्खी मेरे गले में गई। ये क्या हुआ? इनके मन के समान इन दुष्ट असुरों का उदर भी दूषित है। ये मेरे उदर में कैसी हलचल है? वो रहा ग्रंथ। कुछ तो असामान्य है। वो मक्खी गई। ग्रंथ तो प्राप्त कर लिया मैंने, परंतु इस ग्रंथ को मैं बाहर कैसे ले जाऊं? कान के मार्ग से तो मैंने प्रवेश किया, परंतु यह ग्रंथ तो इतना विशाल है कि इसे मैं वहां से नहीं ले जा सकता। महाराज, महाराज, अरे क्या है? महाराज, इस द्रव्य का पान कीजिए महाराज, संभव है कि आपके उदर की हलचल मिट जाएगी। अरे मूर्ख, वहां क्यों खड़ा है? यहाँ। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्यक्ति यदि सच्चे हृदय से प्रयास करे तो किसी भी समस्या के समाधान का मार्ग मिल ही जाता है।